पांडे जी, आप जो है आपने कलेक्ट्रेट में दो ऊपर सिंबल दिखाई दे रहे हैं जिसमें 1919 लिखा हुआ है, क्योंकि खंडवा कलेक्ट्रेट आपको बता दें 100 वर्ष से अधिक पुरानी बिल्डिंग है, 1919 में अंग्रेजों ने बनवाई थी। इसके ऊपर जो दो सिंबल दिख रहे हैं उसके बारे में हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, प्रशांत शर्मा जी उनसे आपकी बात कराते हैं। जी पंडित जी, आप जो है इसके बारे में कुछ बता रहे थे कि ये खंडवा की समृद्धि का प्रतीक है और खंडवा को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, क्या है विषय? जैसा आप जानते हैं कि ये कलेक्टर ऑफिस है, अभी अंग्रेजों के टाइम में ये रेवेन्यू कमिश्नर का ऑफिस हुआ करता था, रेवेन्यू कलेक्टर करने का ये ऑफिस हुआ करता था। ये अभी आज की डेट में 105 साल की बिल्डिंग है। ये इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ये यहीं के लोकल पत्थरों से बना हुआ है, इसमें बाहर से कुछ भी नहीं आया हुआ है, और इस निमाड के क्षेत्र के समृद्धि को दर्शाने के वाला इनके दोनों अस्क आप देख लीजिए, ये जो दोनों चिन्ह हैं ये दोनों समृद्धि को दर्शाते हैं। रेशम का कीड़ा जैसे पलता है, आप इनमें देखिए रेशम के कीड़े की आकृति बनी हुई है, रेशम कैसे बनता है, रेशम के सल कैसे बनते हैं, ऊपर नाक की आकृति बनी हुई है। समृद्धि कहा जाता है, ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि जहाँ पर धन संपदा होती है उसकी रक्षा स्वयं नाक करते हैं। तो ये जो ये रेवेन्यू का ऑफिस था ये कृषि क्षेत्र में बहुत ही आगे हुआ करता था निमाड, अभी भी है, लेकिन जो पहले हुआ करता था आज के 100 साल पहले जब ये बिल्डिंग बनी तो बहुत कुछ सोच के इसको, इसके चित्र जो भित्तियाँ घेरी गई हैं वो बहुत कुछ सोच के बनाई गई है। क्या है वो, क्या इंडिकेशन है, ये सिंबल क्या है, किस चीज़ का है वो? बीच वाला सिंबल है रेशम के कीड़े की आकृति देख रहे हैं आप, कैसे रेशम, रेशम का कीड़ा कैसे लगाता है, बनाता है। रेशम सबसे महंगी चीज़ है, रेशम खेती में सबसे रेशम का उत्पादन जो है बहुत महंगा महंगे में होता है, उसके ऊपर नाक है। जो रेवेन्यू की रक्षा वाला मामला आ गया कि जहाँ धन संपदा होती है वहाँ सर्प होते हैं। तो आपका ये कहने का मतलब ये जो सिंबल हम आपको दिखा रहे हैं ये रेशम का सिंबल है और ये जो ऊपर है ये नाग बने हुए हैं, 9 नाग की आकृति उकेरी गई है। 1919 में खंडवा कलेक्ट्रेट बना था, इसकी पूरी रिसर्च जो है प्रशांत शर्मा जी ने की थी, इनके बारे में आपको बता दें। आप इसके मामले में जो इतिहास के विद्यार्थी हैं आप यदि उनसे भी पूछेंगे तो वो खुद बताएंगे, क्योंकि मैं भी इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और जब मैंने कलेक्ट्रेट खंडवा के बारे में लिखा आज के 5 साल पहले जब इसका शताब्दी पूरा होने वाला था तो मुझे भी इतिहास के छात्र और इतिहास के प्रोफेसर हैं उन्होंने पूरे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया और उन्होंने जो 3 चीज़ें हमको बताई थी वो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है वो लोकल पत्थर का है, बाहर से कुछ कहाँ से लाया गया पत्थर, इसके इतिहास के विद्यार्थी और इतिहास के प्रोफेसर ने बताया कि जो जिला अस्पताल है वो ब्लैक स्टोन का पहाड़ उसके पीछे हुआ करता था पहले, जिला अस्पताल बनने के पहले, फिर वहाँ से वो पहाड़ काट करके इसको उसको वहाँ के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और आप देखेंगे तो ग्रेनाइट पत्थरों का ये क्षेत्र है, क्योंकि नर्मदा पट्टी जो है वो ग्रेनाइट पत्थरों के प्लेट से बनी हुई है, इसलिए भूकंप यहाँ नहीं आते, ये थर्ड जोन में आता है। यहाँ भूकंप जब भी आता है तो वो क्रैक होती है और क्रैक होने के बाद चूँकि मजबूत होती है ग्रेनाइट पत्थर तो आपस में वो फंसी रहती है, उसमें जो स्पेस नहीं आता है जिसके कारण भूकंप से हम बचे हुए हैं। और इसमें अधिकतर जो पत्थर हैं वो ग्रेनाइट वाले ही हैं, काले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। हाँ, एंगल चैनल पाइप, रंगीन पत्रे, जाली और लोहे से संबंधित सभी सामान जब मिले एक ही छत के नीचे तो फिर इंदौर जाने की क्या जरूरत है। न्यू लोहा मंडी, पंधाना रोड, खंडवा, संपर्क 9425085153 और 9407135765।